हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू बैंकिंग बोल्डनेस। मेरा नाम गोविंद भाटी है और आज मैं बात करूंगा एक और जॉब रिगार्डिंग के, एक और जॉब अपडेट के रिगार्डिंग। सो आप देख सकते हैं कि मैं आज एक इंडियन रेलवे के रिलेटेड जॉब के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं ऐसे ही जॉब के रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट लाता रहता हूँ, फिर भले वो सरकारी नौकरी हो या फिर कोई पार्ट टाइम नौकरी हो या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम हो या कोई प्राइवेट जॉब हो। सो किसके भी रिलेटेड हो, मैं उसके रिगार्डिंग जॉब अपडेट लाता रहता हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी को अगर जॉब की ज़रूरत है तो उसको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी करते हुए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये इंडियन रेलवे की एग्ज़ाम के बारे में है। सो एक और इंडियन रेलवे की रिक्रूटमेंट आई है और 2021 की लेटेस्ट जॉब है, और इसकी लास्ट डेट आप देख सकते हो स्क्रीन पे 30 जून दी हुई है, और इसमें 12th क्लास एलिजिबल है। तो इसमें मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये साउथर्न रेलवे की एग्जाम का रिक्रूटमेंट है इंडियन रेलवे की तरफ से। साउथर्न रेलवे जो तमिलनाडु कर्नाटक वो साइड में, तो साउथर्न रेलवे की साइड से रिक्रूटमेंट है। तो इसके बारे में डिटेल में आपको बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये कि साउथर्न रेलवे की एग्जाम है रेलवे की, और टोटल वैकेंसी आप देख सकते हो 3378 वैकेंसी, और लोकेशन आपको तमिलनाडु है बिकॉज साउथर्न रेलवे का रिक्रूटमेंट है ये। और पोस्ट देख सकते हो, अप्रेंटिस की पोस्ट है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, और ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन मोड कोई मोड है नहीं। और इसका स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हो 1st जून को ऑलरेडी डेट स्टार्ट हो चुकी है, और लास्ट डेट इसकी 30 जून को है 2021 को। तो अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है तो ज़रूर जाके जल्दी से अप्लाई कर दीजिए। और अभी मैं बात करूँगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मैं पहले यहाँ पे आपको वैकेंसी वाइज बता रहा हूँ, जो 3378 वैकेंसी है, 3378 जितनी भी वैकेंसी है उसमें आप देख सकते हैं क्राइटेरिया दिया हुआ है। कैरेज वर्कर के ऊपर 936 वैकेंसी है, सेंट्रल वर्कशॉप के ऊपर 756 है, और सिग्नल के वर्क के लिए 1686 वैकेंसी है। और आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, 10th 12th और ITR डिग्री होनी चाहिए। ये ITR डिग्री जो इंडियन रेलवे की स्पेसिफिकली एक डिग्री होती है, जो इंडियन रेलवे में एंट्री करने के पहले आपको ये डिग्री लेनी होती है। तो अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हो, और साथ ही साथ में आपका 10th 12th होना चाहिए, या फिर अदर और दिया हुआ है, या फिर अदर कोई इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू। आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका मिनिमम एज आप 15 साल है और मैक्सिमम एज 24 है, मींस जो अगर कॉलेज ईयर में है तो भी वो इसके चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस जॉब को लेकर, तो आप ग्रेजुएशन होते होते आपके पास एक वेल रेपूटेड एक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपके पास एक जॉब होगी। और आप पैकेज देख सकते हो 6000 से 7000, स्टार्टिंग में पैकेज बहुत कम है, लेकिन जैसे जैसे आप इंडियन रेलवे में अपना योगदान दोगे तो आपका ज़रूर सैलरी पैकेज बढ़ेगा। और आप मोड ऑफ सिलेक्शन देख सकते हो, मेरिट लिस्ट और इंटरव्यू बेस पे इनका एक एग्जाम होगा, उसके ऊपर आपका मेरिट लिस्ट निकलेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और आप एप्लीकेशन फीस दे सकते हो 100 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी और SC ST फॉर नील, जैसे एज यूजल उनका होता है इंडियन रेलवे का। आगे देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट का, यहाँ पे www.rrcmas.in, और कैंडिडेट को ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और कैंडिडेट को सब फुलफिल करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे बताया गया है यहाँ पे, और क्लिक ऑन द सबमिशन बटन, और प्रिंट आउट रखना है आपको जो भी आप फॉर्म भरोगे तभी। और बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया वो आपको फिल करना है। और जैसे कि मैंने बताया 1st जून को स्टार्ट हुआ और लास्ट डेट 30 जून है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके रिगार्डिंग आपको पूरा बता दिया इंडियन रेलवे के जो रिक्रूटमेंट आया। तो अगर आप ऐसे ही जॉब अपडेट चाहते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।